सबसे पहले इनका आग्रह ये रहा कि बहुत कम बोलिएगा मैम, इसलिए बहुत संतोष जी के आग्रह पर संतोष भरा शब्द आपको घोषित करना चाहूँगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे इतना कम बोलूँ, जबकि बहुत कम ऐसा मौका आता है कि इतने रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे लोग है ना, इस पूरे सभागार को सुशोभित कर रहे हैं, और इतना सुंदर माहौल, इतनी सुंदर सजावट, हमारे बच्चों का ये आग्रह तो संतोष जी को भी बाहर रखते हैं। फिर भी आज ये जो फेयरवेल शब्द है, विदाई का शब्द है, ये थोड़ा पीड़ा भरा होता है, कसक भरा होता है, इसलिए इसकी भी बातें नहीं करेंगे। फेयरवेल किसका? आर्या का, प्रिया का, किशन मौली का, किसका? जो हमारे दिल के करीब होते हैं उनको हम कैसे जाने देंगे? आप सब छात्र लोग हमारे जीवन के बहुत करीब होते हैं, और यकीन मानिए आप जब भी दिखते हैं हम आपको बिल्कुल उसी प्यार से याद करते हैं जैसे अभी आप लोग हमारे प्रिय रहे हैं। तो आपको तो हम विदा कर ही नहीं सकते। और रही बात आने वाले की स्वागत की, तो ये तो क्रम है, जीवन का क्रम है। जब तक आप आगे वाले अग्रज जो हमारे रास्ता नहीं छोड़ेंगे, पीछे वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये विकास का क्रम है। और हमारे हेड सर ने बहुत सारी गुड़ बातें बताई आप लोगों को, उन्हें मैं नहीं दोहराना चाहूँगी। आप लोगों को बस शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपके भविष्य के लिए, क्योंकि जीवन को रंगीन कहा गया है तो इसमें बहुत सारे रंग हैं। कभी कभी ऐसे रंग भी होते हैं जो फीके होते हैं, मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस समय आप हमारे हेड सर की बातें याद रखिएगा तो आप में मनोबल आपका बढ़ेगा। और अंत में दो किसी शायर की दो पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दे दूंगी। संतोष जी को देखना चाह रही हूँ, नहीं है? नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और कश्तियों को हटाने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे।